वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलो चल रहे, अब अपन अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉरेक्स के सेकेंड पड़ाव पे। फर्स्ट पड़ाव में माय टारगेट वाज टू टीच यू ऑल डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट एंड एक जनरल प्रेजेंटेशन, एंड टू लार्ज एक्सटेंट अपना ये हो गया है, वी आर वेरी मच क्लियर। अब अपन लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अब अपन लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो अब अपन लोग चल रहे हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स क्या है उसका कोट्स तो समझ में आ गया, फॉरेक्स कोट्स तो समझ गए, अब चलेंगे अपन लोग फॉरेक्स के ट्रेडिंग के ऊपर। अब चलेंगे अपन लोग फॉरेक्स के ट्रेडिंग के ऊपर। आओ मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप बिजनेस करना चाहते हो इस कैलकुलेटर का, किसका, इस कैलकुलेटर का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है? तो से अपन चालू करते हैं एसके ट्रेडिंग फर्म। अपन ने ये कैलकुलेटर परचेज किया, अपन ने ये कैलकुलेटर परचेज किया 110 रुपीज में, 110 रुपीज में। अब आप मार्केट में इसको 110 में ही बेच दोगे क्या? आप इसको मार्केट में 110 में ही बेच दोगे क्या? बोलो हाँ या ना। द आंसर इज नो सर। इसके ऊपर हम हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे, से हमारा प्रॉफिट हम 15 रुपए ऐड करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा हमारा कैलकुलेटर का सेल प्राइस। डन। तो सीधी सी बात है, आपने अगर कोई चीज परचेज की है तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। कैन आई से यही सेम सा बेसिक लॉजिक, यही सेम सा बेसिक लॉजिक फॉरेक्स ट्रेडर भी यूज करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। समझो आपको आपको डॉलर चाहिए, ठीक है? आप अमेरिका जा रहे हो, आपको कॉल है अमेरिका से और आपको डॉलर चाहिए, 1000 USD चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, आप बैंक में जाओगे, बराबर है? बैंक इज लाइक एन ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेक्स, इनको बोलते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स, ऑथोराइज्ड डीलर्स। तो आप जाओगे बैंक में, बैंक में जैसे ही आप गए, इस बैंक ने, आप बोलोगे कि भाई मुझे डॉलर चाहिए, कितना, 1000 US डॉलर चाहिए, ठीक है? बैंक ने ये खुद परचेज किया हुआ है एट द रेट, बैंक ने ये खुद परचेज किया हुआ है एट द रेट $82, ठीक है? सो बैंक ने एक डॉलर 82 रुपीज में परचेज किया हुआ है। सो बैंक ने खुद ने $1 82 में परचेज किया हुआ है। अब आप मेरे को बताओ, क्या बैंक आपको सेम रेट पे सेल करेगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो आपको क्यों फ्री में देगा, वो तो अपना मार्जिन ऐड करेगा, वो तो अपना मार्जिन ऐड करेगा और फिर आपको देगा, है कि नहीं सर? वो भी तो यहाँ पे धंधा कर रहा है। जैसे आप कैलकुलेटर बेच रहे थे तो आपने अपना मार्जिन ऐड किया ना, और फिर मार्जिन और फिर बेचा ना, मैं बोलूंगा हाँ मैंने तो ऐसा ही किया, मैं तो ऐसा ही करूंगा।
अरे बोलो बोलो, चल चल। सो यहां पे बैंक भी क्या बोला, यहां पे बैंक भी अपना मार्जिन ऐड करता है, बैंक भी अपना मार्जिन ऐड करता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो बैंक ने भी 1000 US डॉलर्स खरीदा होगा एंड उसने खरीदा होगा 82 पे। तो आप बोलेंगे सर बैंक तो 101% ज्यादा प्राइस पे बेचेगा, तो बैंक यहां पे से फॉर एग्जांपल ऐड कर लेगा अपना मार्जिन अपना कमीशन, राइट? अरे राइट या रॉन्ग बोलो। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जो मैं आप लोगों को चीज पूछने जा रहा हूं ना, वो मुझे अभी तुम लोग से वापस से समझनी है। सो जब बैंक ने परचेस किया, खुद ने कहीं से परचेस किया रहेगा बैंक ने, तो $82 में परचेस किया रहेगा, ठीक है। अब ओके, अब बैंक आ रहा है, बैंक बोल रहा है कि भाई मैं मेरा 3 रुपए का कमीशन रखेगा। जब वो बैंक सेल करेगा एट दैट पॉइंट इन टाइम बैंक विल सेल इट एट ₹85, बैंक विल सेल इट एट ₹85। अरे हाँ कि ना? तो क्या हुआ बताए क्या? संकल्प बैंक के पास गया, संकल्प बैंक के पास गया, संकल्प ने बैंक को बोला कि बैंक $1000 मेरे को परचेस करना है, मेरे को परचेस करना है। बैंक क्या रेट कोट करेगा संकल्प को, प्लीज मुझे बताइए। बैंक संकल्प को क्या रेट कोट करेगा जरा बताना तो, बोलो बोलो चल चल। बैंक संकल्प को क्या रेट कोट करेगा? करेक्ट, 85 का कोट करेगा वो, करेक्ट। सो बैंक बोलेगा हाँ चाहिए तेरे को, मिल जाएगा, $1 = ₹85। तो तेरे को अगर 1000 चाहिए तो ये ले, $1000 * 85, तो ₹85,000 दे दे, ये $1000 हुआ तेरा। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ सर। ओके ओके ओके। अब क्या हुआ पता है क्या? फर्स्ट जैन को मैं ये लेके गया। अब मैं ये देखो सर्वेश लिखता है डायरेक्ट कोट। ए सर्वेश तुझे कैसे पता रे मैं कहाँ पे हूँ, तुझे कैसे पता मैं कहाँ पे हूँ? से फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं, अब बोल। तो डायरेक्ट कोट ऐसे मत लिख। चल, अब फर्स्ट जैन को मैं ये $1000 लेके गया बैंक के पास से, और मेरे को काम था, मैं यूज करने वाला था। उसमें से मैं $600 यूज किया, बाकी का मेरा $400 बचा है। तो अब मैं 5th जैन को बैंक के पास आया और बैंक को बोला बैंक $400 बचा है, अब मेरे को ये $400 सेल करना है, सेल करना है। तो क्या बैंक मुझे ₹85 देगा क्या $1 के जगह पे? क्या बैंक मुझे ₹85 देगा क्या $1 के जगह पे, हाँ या ना बोलो मुझे। बोलो, $1 का बैंक ₹85 देगा क्या? बोलो, समझो रेट वही है। अभी भी 82 में परचेस किया था बैंक ने, 85 में रखा है। द आंसर इज नो वे। बैंक बोलेगा कि तुमको हमारे को सेल करना है तो हम हमारे परचेज रेट पे बाय करेंगे, एंड दैट बेसिकली इज ₹82 only। तो आप झगड़ सकते हो क्या बैंक के साथ? ऐसा तो नहीं होता है, मैं 85 में लेके गया था, तुम भी 85 में रिटर्न लो। जी नहीं, जी नहीं, ये बैंक उससे कम में आपसे लेगा। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जब भी बैंक में जाता हूं ना, तो मैं उनके वहां पे कुछ कोट्स देखता हूं, और उधर कोट था फॉर एग्जाम्पल ₹1 = ₹82/₹85। तो तब मुझे समझ में आया कि बैंक जब सेल करेगा तो हायर रेट पे सेल करेगा। When the bank will sell it at a higher rate. Am I right, everybody? अरे बोलो बोलो चल चल। जब बैंक जब सेल करेगा
इट विल सेल एट हायर रेट, राइट राइट, बट जब बैंक परचेस करेगा, बहुत शाना है बैंक, वेरी चालाक ब्रो, बट जब बैंक जब परचेस करेगा इट विल बाय एट द लोअर रेट। ए समझूड़ू, इसी को TTBR और TTSR बोलते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। है प्रिंस, होशियारी मार रहा है तू। हाँ, समझ रहा हूं मैं, शाइनिंग मार रहा है अभी। अंडरस्टैंडिंग, और इस चीज को नाम दिया गया इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एज दिस इज कॉल्ड एज द आस्क रेट, एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड एज द बेड रेट। समझे क्या? दिस इज कॉल्ड एज द आस्क रेट एंड दिस इज कॉल्ड एज द बेड रेट। ए समझू। ओके ओके, गॉट इट गाइस? बोलो बोलो। सो जो भी ऑथोराइज्ड डीलर होगा फॉरेक्स का, ऑथोराइज्ड फॉरेक्स डीलर जो भी होगा, जैसे अपने एग्जाम्पल में था हमारा बैंक, अपने एग्जाम्पल में था हमारा बैंक, कहना है इससे, जब उसको फॉरेक्स बाय करने की बारी आएगी तो ही विल बाय एट लोअर रेट। इसको क्या बोलते हैं? ही विल बाय एट लोअर रेट, इसको क्या बोलेंगे अपन? बोलो बोलो, टेल टेल। आज के बाद इसका नाम होगा बिड रेट। एंड जब उसको सेल करने की बारी आएगी, व्हेन बैंक विल बाय, व्हेन बैंक विल सेल, दे विल सेल एट अ हायर रेट, एंड इसको प्यार से बोलेंगे आस्क रेट। ए समझ गुडू। डन 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 डन, क्लियर एवरीवन? सो अगर मैं यहां पे एक कोट लिखता हूं, अगर मैं यहां पे एक कोट लिखता हूं, देखा मैंने कोट, 1 pound इज इक्वल टू रुपीज 105, 108, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ जाने का? दिस इज बैंक बाइंग रेट, दिस इज बैंक सेलिंग रेट, दिस ऑल्सो बिकम्स, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, दिस ऑल्सो बिकम्स कस्टमर सेलिंग रेट एंड दिस ऑल्सो बिकम्स कस्टमर बाइंग रेट। सीधी सी बात है ना? अरे बोलो बोलो, चल चल, समझ में आई बात? सो सिंपल है बैंक का कॉन्सेप्ट, तो कम में खरीदो, हाँ, कम में बेचो, कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, बैंक का फंडा क्लियर है। बैंक क्या? कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी धंधे का यही तो कॉन्सेप्ट है, कम में खरीदो ज्यादा में बेचो।
डन, डिफरेंस बैंक का गेन, जय भारत। तो आज के बाद आप कभी भी बैंक में जाओगे, आज के बाद कभी भी बैंक में जाओगे तो आप देखोगे दैट देयर विल ऑलवेज नॉट बी अ सिंगल कोट बट देयर विल ऑलवेज बी अ ड्यूअल कोट। या कोई भी ऑथोराइज डीलर के पास जाओगे, यू विल ऑलवेज गिव यू अ ड्यूअल कोट, खरीदने का अलग बेचने का अलग, है कि नहीं, है कि नहीं? सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ ड्यूअल कोट। Therefore, all authorized forex dealers always give something called as dual code. Samjhe? एंड क्या है वो ड्यूअल कोट? से $1 इक्वल टू रुपीज 85.53515500, ऐसा भी लिखते हैं वो लोग। अभी थोड़ा तुम लोग के लिए हाई फाई हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखवाता हूं, 85.5500। गॉट इट? चल अब ये तो अपने को समझ गया, बैंक बाइंग रेट बोलते हैं इसको प्यार से, बिड रेट। ए बिड्डा, ये मेरा अड्डा। बैंक सेल रेट, इसको अपन प्यार से बोलते हैं आस्क रेट। डन। अब ध्यान में रखना एक बात, अब ध्यान में रखना एक दो बात, कैन आई से, सुनो ना, दो मिनट सुन लो ना पहले, कैन आई से, क्या आपको यहां पे देख के लग रहा है कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अच्छा इसमें हमेशा ज्यादा क्या रहेगा? चलो वो बताओ, सपोज यू आर द बैंक, यू आर अ फॉरेक्स ऑथोराइज फॉरेक्स डीलर, विच विल ऑलवेज बी हायर? ये ऐसा कुछ हो नहीं होगा, नहीं क्या होगा, क्या लगता है? करेक्ट, कैन आई से आस्क विल ऑलवेज, माइंड यू ऑलवेज बी हायर देन द बिड। एक बार इक्वल हो जाए शायद कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में, बट आस्क रेट विल ऑलवेज बी हायर देन द बिड रेट। सो पॉइंट नंबर वन, ऑलवेज ask rate will be higher than the bid rate, सही है? दूसरा, ये जो quotes दिया है ये किसके व्यू पॉइंट से दिया जाता है? authorized forex dealer से। so quotes are always from the bank's point of view, right? so quotes are always From banks POV, या जिसको अपन बोलते हैं banks point of view. Done? Okay. अब ये जो तीन रुपया दिख रहा है आपको, ये तीन रुपया क्या है? ये जो आपको तीन रुपया दिख रहा है ना, 108, 105 बीच का तीन रुपया, ये क्या है? बैंक का प्रॉफिट, बैंक का मार्जिन, बैंक का गेन, बराबर है? इसको प्यार से कहते हैं स्प्रेड, इसको प्यार से कहते हैं स्प्रेड। बट आप लोगों ने बराबर बोला, मार्जिन गेन प्रॉफिट बैंक का, इसको कहते हैं स्प्रेड। सो बैंक्स मार्जिन बोल सकते हो आप, प्रॉफिट बोल सकते हो, गेन बोल सकते हो, जो बोलना है रे बोलो रे, बोलते हैं स्प्रेड। सो
कैन आई से आस्क माइनस बेड इज इक्वल टू स्प्रेड. डन गाइस, प्लीज कॉपी. इधर तक किसी को कोई भी डाउट? इधर तक किसी को कोई भी डाउट है क्या गाइस? सब लोग साथ में हो मेरे? कोई छूटा कहीं पे? चल एक एग्जांपल है, आप लोग को जवाब देना है उसका. Following quote is given in Mumbai. अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, देखना. $1 is equal to. अब मैं सुनो, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी ला रहा हूं. आइडियली मुझे सिखाना चाहिए पहले वो कॉन्सेप्ट, फिर मुझे वो करना चाहिए. बट थोड़ा एक गेम खेलू तुम लोग के ऊपर, एक चांस लू, तुम लोग ट्राई करो. चलो, $1 इज इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड, सीधा आना चालू हो गया. ऐसा डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट है, करेक्ट है. 44.7250/44.7300. ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है आइडेंटिफाई द कोट. दूसरा, जहां पे आप लोग गलती करोगे ही करोगे, कन्वर्ट इनटू अदर कोट, जो भी है ये उसका अदर कोट, एंड कैलक्यूलेट द स्प्रेड. कैलक्यूलेट द स्प्रेड. कॉन स्टार्ट एवरीबॉडी. अब यहां पे चलो, सब लोग ने आंसर तो बोल दिया कि सर ये एक इनडायरेक्ट कोट है, सॉरी डायरेक्ट कोट है ये, क्योंकि मुंबई में इंडिया में है तो ये एक डायरेक्ट कोट है. फर्स्ट तो ठीक है, राइट है. स्प्रेड भी चलो ये लोग बता दिए मेरे को पहले ही, वेरी गुड, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्प्रेड भी बता दो. सो स्प्रेड विल बी 44.7300 - 44.7250. चलो करते हैं कैलकुलेट, पॉइंट के बाद कहीं होगा आइडियली. तो करेक्ट, सो इट विल बी 0.005, बेसिकली 50 पिप्स. समझे अभी पिप्स क्या होता है? बराबर ना, 50 पिप्स का स्प्रेड है, ऐसे बोलते हैं. तुम लोग कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे ना तो दिखेगा ये सब. अब मुझे चाहिए बी वाला पार्ट, जिसके लिए ये मैं करवा रहा हूं भाई. इधर तक तो ठीक है.
अब इसमें गलती होने वाला है, तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो आइए पहले मैं कोट लिख देता हूं, पहले मेरा कोट है $1 इक्वल टू 44.7250 स्लैश $1 इक्वल टू 44.730। वेरी गुड सावी, वेरी गुड, अदर्स करो ट्राई। अब देखो ये तो अपने को पता है कि डिवाइड बाय करना है, बट चलो करता हूं मैं, कंटिन्यू करता हूं। तो अभी क्या करेंगे अपन, 1 डिवाइड बाय 44.7250 एज इट इज जाएंगे, तो 1 अपॉन 44.7300, इसको भी डिवाइड किया तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 44.725, दिस विल बिकम 0.0223 एंड दिस विल बिकम 0.02239, ठीक है, एंड 1 डिवाइड बाय 44.7300 0.022356। अब प्राइमा फेसी दे देख कर लगेगा ये मेरा वन रुपीज इक्वल टू डॉलर ये हो गया, बट अगर ऐसा है देन इन दैट केस ये आपका आस्क होता है, ये आपका बिड होता है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी आपने बोला था ऑलवेज आस्क इज ग्रेटर देन बिड, बट अगर आप लोग यहां पे नोट करोगे तो बिड बड़ा है आस्क छोटा है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। जब आप डिवाइड करते हो तो चीजें ट्रांसपोज हो जाती है एंड दिस will go here and there, correct? So ये आपका bid बनेगा, ये आपका ask बनेगा, समझ में आया? So 0.22 0.22356 0.022359, got it guys? So, जब मैं यहां पे लिखता हूं $1 इक्वल टू 44.7250 7300, तो जब मुझे इसको ट्रांसपोज जब मेरे को उसको आस्क और बिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना है, पता है? बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वॉट विल हैपन। क्या आप लोग मैथमेटिकली चीजों को समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एंड दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर, 0.0022356 एंड 0.022359। समझी गुड एवरीबॉडी? बोलो बोलो, टेल टेल, समझ में आया क्या सबको? बेसिक मैथमेटिक्स खेले अपन और कुछ नहीं। जय बात। डन डन, आओ देखते हैं कितना डन। डायरेक्ट कोट दिया हुआ है इंडिया में, सेम ऐसे ही लिखता हूं मैं, €1 = ₹90/94 कन्वर्ट
इनटू अदर कोट स्टार्ट। इन शॉर्ट आस्क कुछ भी हो हायर ही है ऑलवेज, आस्क विल ऑलवेज बी हायर और वो ट्रांसपोज हो जाएगा। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो, देखते हैं अभी। सर ऐसे तो कोई भी ट्रेडर परचेज करता है डायरेक्ट कोर्ट में एंड सेल करता है इनडायरेक्ट कोर्ट में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तू क्या बोल रहा है महादेव, सेम सेम करेंसी है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोर्ट सेम ही रहेगा, तो उसको ही सेम बंदे को वो बाय और सेल क्यों करेगा? वो बाय करेगा, वेट करेगा, प्राइस चेंज होने देगा, फिर वो सेल करेगा, बाय करेगा, कुछ टाइम के बाद रेट जैसा चाहिए वैसा होगा, फिर सेल करेगा, ऑन द स्पॉट थोड़ी कोई करेगा। चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी? अभी अब जैसे ही मैंने ये देखा 1 यूरो इक्वल टू रुपीज 92/94 और मुझे अदर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम कर दो अक्षय कुमार को याद करो। अक्षय कुमार का याद है कि नहीं सीन? दिख रहा है? ये यही करना है ना अपने को, सबसे पहला काम क्या करना है, राइट? सो डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले फिर 1/92, 1/94 तो कितना आता है देखो, 1/94 इज 0.106383 एंड 0.010869 डन। सो 0.101 तक ठीक है, उसके बाद में देखो 0.010 तक ठीक है, उसके बाद इधर 6 है, इधर 8 है, मतलब आस्क हैज बिकम हायर। हाँ हाँ चाहिए तो उतना ही लिखते हैं, चलो डन, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। डन 0.0106 0.010। एनी डाउट्स एनीबॉडी? क्या इधर से मैं और एक चीज डिराइव कर लू क्या विद योर परमिशन, विद योर परमिशन और एक चीज डिराइव कर लू क्या? कितने डेसिमल्स तक? 4 डेसिमल्स तक। देखो मैंने क्या किया, जब मुझे इसका आस्क फाइंड करना था तो मैंने 1/bid कर दिया, और मुझे जब bid फाइंड करना था तो मैंने 1/ask कर दिया। अरे ऐतराज मूवी हो या अजनबी मूवी हो, मार्क्स अपने को ये नहीं देने वाला है, मार्क्स अपने को ये देने वाला है, इधर ध्यान दीजिए। चलो अभी क्लियर गाइस? क्या मैं ये मान सकता हूं? और देखो जब मुझे बिड फाइंड करना था तो मैंने 1/ask किया। डन?
चलो अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं वापस से, तुमको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। वन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इक्वल टू डॉलर 1.7412, ठीक है, डॉलर 1.7418, कौन कन्वर्ट कन्वर्ट इन अदर कोट स्टार्ट, कौन? कम ऑन, वेटिंग। महादेव का क्वेश्चन देखो, सर कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हैविंग 10,000 रुपीज, हाउ मच डॉलर्स यू विल गेट इन डायरेक्ट कोट एंड हाउ मच यू विल गेट इन इनडायरेक्ट कोट। अरे सब सेम ही मिलेगा महादेव, कैसी बातें कर दी तूने, अभी बता देता हूं तेरे को। और ये चीज एक्चुअली तुझे करना चाहिए, दोनों क्रॉस चेक, तुझे खुद तेरा जवाब मिल जाएगा। चलो सो सब लोग का आंसर आ चुका है, लेट्स चेक इट आउट। 1/7.412, देखो महादेव के आंसर, क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। महादेव ने देखो क्या पूछा है, कुछ बदलेगा क्या उससे? वन, तो अभी मेरे को यहां पे इसका बिड फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, वन अपॉन आस्क, और मुझे इसका आस्क फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, वन अपॉन बिट। पॉइंट 5741 0.57432। ए समझी गुरु, डन गाइस, एनी डाउट्स? चलो हैंग आ रहा है, प्रॉपर कोट्स लिखने का, करेंसी लिखने का, आस्क बिड। चलो अब महादेव की बात को करते हैं अपन लोग कंप्लीट। चलो महादेव ये वाला मैं ले लूं कोट, ये वाला लेता हूं मैं कोट। चल अब महादेव का, चल कोई भी कोट ले ले यार, से $1 = 80 है महादेव, चलेगा? अब तू डायरेक्ट कोट ले या इनडायरेक्ट कोट ले, ये तेरा डायरेक्ट कोट है, $1 = 80, ये तेरा इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है, तू बोलता है तेरे पास 10,000 रुपया है, तो तेरे को कितना डॉलर मिलेगा बता, कर क्रॉस मल्टीप्लाई, 10,000/80, तुझे मिलेगा $125। चल इधर आ जा, इधर भी तू बोलता है तेरे पास 10,000 रुपया है, कर क्रॉस मल्टीप्लाई, तेरे को देख कितना डॉलर मिलेगा, देख 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 कितना डॉलर मिलेगा, कर क्रॉस मल्टीप्लाई, 10,000 × 0.0125, दैट इज $125। महादेव जी एंड स्प्रूड,
हाँ चलना, तो ये वाला समझा। अब एक बिड आस्क वाला करते हैं, आजा। अरे भाई कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा मेरी जान। $1 इक्वल टू रुपीज, सपोज अपन लेते हैं 80, 85। डन, चलो आओ 80, 85 का लेते हैं। अब बोल, अब तुझे क्या चाहिए? तेरे पास $10,000 है, रुपीज है सॉरी, ठीक है? तो तू बैंक के पास जाएगा, बैंक बोलेगा, बैंक को बोलेगा, बैंक मुझे रुपीज 10,000 रुपीज है मेरे पास, मुझे डॉलर चाहिए। बोलो कितना डॉलर मिलेगा उसको? हाँ, सो बैंक बोलेगी हाँ ठीक है, देते हैं ना तेरे को। बोलो कितना डॉलर देगी? तो बैंक उसको देगी, चलो अब बताओ, तुम बताओ, 125। पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। कह रहे ये तो अभी है ना, उसने जो डाउट पूछा है ना, वो तो आइडियली एक क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो। चलो अब सुनो, मैंने है ना एक चीज तुम्हारे को लिखवाई थी यहाँ पे, वो मैं वापस दोहराना चाहूंगा। बैंक, हाँ, कोट्स आर ऑलवेज फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, कोट्स आर ऑलवेज फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो बैंक जब सेल करता है, ठीक है, तो बैंक अपना सेलिंग रेट लेगा। यहां पे बैंक क्या सेल कर रहा है पता है? बैंक डॉलर को सेल कर रहा है। ठीक है, सो बैंक जब डॉलर को सेल करेगा तो 85 के रेट के हिसाब से करेगा। तो से $1 इक्वल टू रुपीज 85, तेरे पास है रुपीज 10,000, तो तेरे को कितना डॉलर मिलेगा? 117.65 या 64, वॉट एवर वैसा। बट एनीवेज, ये अपन बहुत जल्दी आ गए तेरे इस क्वेश्चन के ऊपर, आगे अभी तो देखना है, फिर करेंगे। ठीक है, क्या नाम? महादेव। और सपोज ये जब चेंज हो जाता है तेरा, 1 रुपीज इक्वल टू हो जाएगा, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1/85, तो ये तेरा हो जाएगा, जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये तेरा क्या हो जाएगा वो भी बता दो, रुक जा। ₹1 इज इक्वल टू डॉलर 1176 एंड 25। अब गेम उल्टा हो जाएगा, क्या चेंज आएगा? सेम ही रहेगा ना। अब तू ₹10,000 लेके आया, बराबर है? तो अब क्या होगा? सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे है तू, ये वाले कोर्ट पे है तू, तो तू बैंक को जाके देगा ₹10,000, बैंक तेरे को क्या देगा? डॉलर। सो बैंक यहां पे ये वाला रेट लेगा अभी। बट ये अभी रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सबको तो टाइम है राजा, तो तू इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे डॉलर उतना ही मिलेगा, बट इसको टाइम है, थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दे। तेरे को जो पॉइंट प्रूव करना था वो तो यहां पे हो रहा है, बट थोड़ा आगे लेवल पे आएगा ये चीज। करेक्ट, यहां पे तू बिड, यहां पे तू आस्क लेगा, यहां पे तू बिड रेट लेगा वैसा। पॉइंट इज एवरीथिंग हैज टू क्रॉस टैली, मैथमेटिक्स है ना ये तो। करेक्ट, अब वो तेरा बिड रेट पे आ जाएगा, ये तेरा आस्क रेट पे था। सो 1/आस्क रेट, वो बिड रेट वही हो गया तेरा। चलो डन। इधर तक किसी को कोई भी डाउट? इतना समझने में किसी को कोई भी डाउट? ये भी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं। यस, सो बिड से आस्क, आस्क से बिड, डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट, सब कैलकुलेट करना आ गया। आस्क माइनस बिड इज इक्वल टू स्प्रेड,
चलो ये सारी चीजें अपने को क्लियर हो गई मस्त। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अभी तक अपन लोग ने क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं? डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, आस्क रेट एंड बिड रेट। प्लीज एक बार बोल दो सर, कंफर्म वी आर ऑल क्लियर। ओके, और अब अपन लोग चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है रीडिंग ऑफ रेट्स। आइए हेडिंग दे देंगे अपन। सर पॉइंट ऑफ व्यू शैल ऑलवेज बी बैंक पर्सपेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। यस मिस्टर भरत भूप सर, यस क्रिस्टल से भी ज्यादा क्लियर, बस लगे रहना ऐसे ही। चलो नेक्स्ट आता है अपना रीडिंग ऑफ रेट्स। इतना सारा रेट्स वेट्स देखा, सो देखते हैं भाई रीडिंग कैसे करते हैं इनके। ठीक है, अलग अलग सबके तरीके हैं। आइए $1 इक्वल टू रुपीज 85.2550 स्लैश 75। इसको आप कैसे लिखोगे, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? चलो बोलो इसको आप कैसे लिखोगे, थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में प्रॉपरली लिखना है तो, या मेरे को बता दो। चलो इसका आस्क रेट क्या है, इसका आस्क रेट क्या है? करेक्ट, वी विल राइट $1 इक्वल टू रुपीज 85.2550 डैश 85.257। फाइन, अब सुनो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं मर्चेंट कोट्स, मतलब जो यूजुअली आपको और मेरे जैसे लोगों को दिया जाता है। पर बैंक इतना बड़ा कोट नहीं करता है, तो बैंक जब खुद के उसमें करता है तो दे यूजुअली यूज दिस शॉर्टकट, इसको बोलते हैं इंटर बैंक कोट्स। इसको बोलते हैं इंटर बैंक कोट्स। अच्छा एवरीबॉडी, ठीक है डन। इधर समझ में आ गया ना? आगे तुम लोग आगे तुम लोग क्या और ज्यादा दिमाग लगाना मत चालू करो, पहले इतना बोल दो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बी, £1 इक्वल टू डॉलर 1.1150 स्लैश 250। रोहन भीसे ने पूछा सर स्टार्टिंग टू डेसिमल्स आर ऑलवेज सेम, ले होल्ड माय हैंड होल्ड माय कॉफी ले, तो आराम से शांति सब पॉइंट्स कवर करूंगा तुम्हारे लिए बाबा, टेंशन ही मत लो आप लोग। नो कान्या, डन। $1 1.1150 1.1250
ज्यादा स्प्रेड है इसका भाई, ज्यादा स्प्रेड है। डन। ए मुझे एक बात बताओ, ज्यादा स्प्रेड किसमें होगा? डॉलर जैसी करेंसी का ज्यादा स्प्रेड होगा या से रशियन रूबल उसका ज्यादा स्प्रेड होगा? सपोज मैं इंडिया के बैंक में गया, ठीक है, इंडिया के बैंक में गया मैं, तो ज्यादा स्प्रेड किसका रहेगा, डॉलर का रहेगा या रूबल, रशियन रूबल का रहेगा? सोच समझ के बताना। बोलो। अच्छा मुझे और एक चीज बताओ कि स्प्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्प्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्प्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? फटाफट फटाफट एवरीबॉडी, कैन आई से मार्जिन, कैन आई से मार्जिन, राइट? सो बैंक प्रॉफिट किसमें ज्यादा कमा पाएगा? देखो, इट विल ट्राई टू अर्न मोर प्रॉफिट इन रूबल बिकॉज वो रेयर कमोडिटी है। डॉलर तो इजीली अवेलेबल होगा ना, तो डॉलर का स्प्रेड कम होगा बिकॉज डॉलर तो बहुत ज्यादा सप्लाई में है, ओवर सप्लाई में होगा डॉलर, तो कम सप्लाई में कौन होगा? रूबल। इसके लिए स्प्रेड, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई कंडीशन, जस्ट टेलिंग यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आइए अब और लेवल बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। $1 इक्वल टू रुपीज 85.1190 /90, ऐसा भी कोट होता है कभी कभी, ऐसा भी कोट्स आता है कभी कभी। अटक गए, अटक गए, अटक गए, अटक गए। ऐसे में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। 85.1190 डैश, वापस से 90 ये तो वही लिखो, 85.1190 ही लिखो, बट जो पीछे से थर्ड करेंसी है यहां पे आपको ऐड करना। देखो से, देखो भाई, आस्क और बिड में आस्क ही ज्यादा होगा, ये तो सेम हो गया। सो आपको यहां पे ये थर्ड करेंसी में +1 ऐड करना पड़ेगा एंड दिस विल बिकम 85.1290, मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट प्लीज। डन। ये वाला बैंक बिड और आस्क ऑफ एवरी बैंक इज डिफरेंट, कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, इट इज लाइक दिस माय बॉय। कैलकुलेटर खरीदने को जाता है तू, सेम ये ऑर्पैट का ये वाला कैलकुलेटर तेरे को डीमार्ट में अलग भाव पे मिलेगा, तेरे स्टेशनरी दुकान पे और भाव पे मिलेगा, अनुपम में कोई और भाव पे मिलेगा, अमेजोन पे कोई और भाव पे मिलेगा, सेम ही चीज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, कहीं पे 100 में मिलेगा, कहीं पे 110 में, कोई 120 में। हे ये जय कुमार बोल रहे सर, रीडिंग ऑफ रेट्स लास्ट में रिवाइज कर देना। अरे पर मुझे पहले कंप्लीट तो करने दे रिवाइज वाले। हाँ ना, कोमल का क्वेश्चन है, व्हाई डिड वी ऐड वन? बिकॉज सी कोमल, योर बिड एंड स्प्रेड कैन नॉट बी सेम, देर हैज टू बी, सॉरी, योर बिड एंड आस्क कैन नॉट बी सेम, इट हैज टू, देर हैज टू बी अ डिफरेंस। सो ऑब्वियसली आस्क ज्यादा होता है, बट लास्ट दो तो उन्होंने कोट कर दिया है, 9090 है, सो आप एक पहले आओगे। और एक आता हूं मैं, और एक आता हूं, और एक आता हूं, वेट वेट करने दो, लेट मी कम, ले दो। सो एज पर द नॉर्म्स राधेश्याम, वी हैव टू ऐड वन, सो इंटरनेशनल फॉरेक्स नॉर्म्स डी, इधर आ जाओ और एक पे आ जाओ। बोलो, अब और मजा आएगा।
पहले तो यहां पे एक टेक्निकल फॉल्ट ढूंढो, पहले तो एक टेक्निकल फॉल्ट ढूंढो। टेक्निकल फॉल्ट आपको प्राइमा फेसी देखोगे तो दिखेगा, इधर लिखा है 75.1840 75.1830। टेक्निकल फॉल्ट है दैट आस्क इज लोअर देन बिड, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिड इज ग्रेटर देन आस्क। सो यहां पे भी आपको वही कन्वर्जन करना पड़ेगा, दो लास्ट वाला तो सेम है, प्लस वन एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन। राधेश्याम जी बन जाएगा, ए संजीव बिल्कुल ध्यान दे, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट एवरीबॉडी भाई कंफर्म सब लोग का आते रहना चाहिए। ओके ओके, कुछ लोगों आ रहा है कुछ का नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, आते रहना चाहिए सबका। चलो वन एडी इज इक्वल टू रुपीज 25.1180/900। कम ऑन, यस दिशा जी जरूर। तो इधर देखो, आइडियली पहले नॉर्मल चुपचाप लिख दो जो दिख रहा है, पहले नॉर्मल चुपचाप लिख दो, फिर देखो कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, फिर देखो कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, नहीं तो सब बराबर है तो ठीक है, हो गया डन। भाई यहां पे कुछ गड़बड़ दिखा ही नहीं, सब बराबर है तो हो गया। देखो गड़बड़ कहां पे दिखा, यहां पे गड़बड़ दिखा, 85.1190 डैश 85.1190, तो सेम नहीं हो सकता, तो गड़बड़ दिखा, तो 9090 लास्ट तो उसने दिया है, तो उसपे तो मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, थर्ड वाले पे मैं एड वन कर दूंगा टू मेक माई आस्क बिगर। सेम टू सेम 75.1840 75.1830 लिखा, कुछ गड़बड़ दिखा क्या, यस बिड इज ग्रेटर देन आस्क विच इज नॉट पॉसिबल। अगेन जो 30 है वहां तक तो कुछ नहीं कर सकता, उसके पहले वाला प्लस वन कर दिया, हो गया मेरा आस्क बिगर। तो नॉर्मल जो दिया है वो लिख दो, गड़बड़ दिखेगा ऑटोमेटिकली आपको इशारा मिलेगा क्या चेंज करना है। आओ और एक करते हैं, पहले लिखो, पहले लिखो, कूदो मत, पहले लिखो, वन पाउंड इज इक्वल टू 1.1005 - 1.1010। पहले लिखो, लिख लिया, आस्क ग्रेटर देन बिड प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसे भी कोर्स होते हैं, यस सर, इसीलिए आपको करवा रहे हैं हम। गॉट इट गाइस, लास्ट वन पाउंड इक्वल टू $1.5690/00। अगेन जो दिया है वो लिख दो, जो दिया है वो लिख दो चुपचाप, 1.5690 - 1.56 लास्ट के दो 00 5600। अब आप मेरे को बताओ बिड कैन बी ग्रेटर देन आस, नहीं तो आप क्या करोगे, इधर प्लस वन यहां पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, करेक्ट $1.5690
5700। समझ गए? अरे बोलो रे। क्लियर एवरीबॉडी? चलो इसी के साथ मेरा रीडिंग ऑफ रेट्स भी कंप्लीट होता है। यस, स्टैंडर्ड रूल श्रवण, डन। ओके, ऑल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, बोल। सो रीडिंग रेट्स जो भी आपको दिया है नॉर्मली पहले लिख दो, जैसे वो 85.2550 है, 85.2550/75 है, तो लास्ट के दो है तो उस हिसाब से पहले लिख दो, चेक, ऑल वेल, ग्रेट। यहां पे 1150250 तो तीन दिया है तो फर्स्ट वाला तो आएगा ही, फिर 1150250, चेक। यहां पे 1190/90 है तो आपने तो वही एज इट इज लिख दिया, कुछ गड़बड़ लिखा, बिट इज इक्वल टू आस्क, चलो थर्ड लास्ट को प्लस वन, थर्ड लास्ट को ही क्यों, क्योंकि यहां पे वो लोग ने 190 करके दिया है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, बोलो ना। अब यहां पे अगर मैं आपको देता हूं $1 = ₹85.1190/190, अब बोलो क्या करोगे? अब फटाफट आंसर लाके दिखाओ। जय कुमार इसका आंसर दे दे तो समझ ले तेरा हो गया। कौन? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अब आप लिखेंगे यहां पे $1 = ₹85.1190, वापस 85 point, कुछ नहीं दिया है तो 1190, गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, बट ये 190 तीनों का सेम है, उसको हिला नहीं सकते। अब आप यहां पे वन करेंगे एड, यहां पे हो जाएगा ये आपका 85.1190, 85.2190। जय बात, अब तुम लोग सीख गए, समझ गए, पॉइंट समझ गए तुम लोग कि क्या करना है आपको। हाँ, लक्ष्मी, दिशा, श्रवण इज माय बॉय, ये जो 190 है ना उसको मत छेड़ो, उसको मत छेड़ो ना पुष्पा ना। चलो समझे क्या? सो मेजॉरिटी पब्लिक ने यहां पे लिखा 85.1190-85.1290। अरे बाबा देखो तो सही, यहां पे ये 190 तीन का जो दिया हुआ है ये आप फिर इसको छेड़ नहीं सकते, फिर आपको उसके पहले वाले को छेड़ना पड़ेगा। समझे क्या गलती कर रहे थे आप? सर्वेश सर गलती कर दी आपने भाई, यहां पे ये जो लिखा है ना आई कैन नॉट टच दैट, वो तो फ्रीज्ड है, वो रेट है, वो तुम कौन होते उसको चेंज करने वाले भाई, तुम और मैं उसको नहीं छेड़ सकते, सो वी हैव टू राइट इट एज इट इज। तो अब उसके पहले वाला किधर पॉसिबल है?
ये वाला। सो वापस से बता दो, वापस से बता दो, डोंट गेट स्टक इन योर माइंड, ओपन माइंड रखो। 85.1190/190, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एज यूजुअल पूरा का पूरा एज इट इज लिख देंगे, एज यूजुअल पूरा का पूरा लिख देंगे 85.1190 डैश। देखो देखो ये अभी जैसे यहां पे था, हाँ 85. देखो 1180-900, सो अपन ने क्या लिखा इधर, पूरा एज इट इज लिख दिया ना ये तीन, तो यहां पे भी मैं वैसे ही लिख दूंगा 1190-1190। समझ में आया? अब समझो यहां, अब ये देखो ये 190 और 190 तो फ्रीज्ड है, ये जो लास्ट वाला 190 है ना, ये अगर उसने दिया है तो आई कैन नॉट टच दिस बॉस, ये तो फ्रीज्ड वाला है। तो अब मेरे लिए क्या बचता है, उसके पहले वाला वन। समझा क्या? अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा जो आना ही चाहिए, सर अगर 85.1190/1190 दिया है तो आप पहले लिखेंगे 85.1190-85.1190, करेक्ट। अब ये 1190 जो वो लोग का है वो तो फ्रीज फिगर्स है, उसके पहले क्या आ जाता है 85 के नीचे प्लस वन, सो इट विल बिकम 86.1190। अच्छा एवरीबॉडी, यस लक्ष्मी वेलकम है, डोंट वरी। चलो सब लोगों को समझ में आ गया अब, और अच्छी तरह से आ गया, बहुत बढ़िया। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। सो अगेन यहां पे देखना 85 से 75.1840/30, ठीक है। सो 75.1840-75.1830 बराबर है 3040 वाला फ्रीज्ड है, उसके नी लेफ्ट वाला लिया प्लस वन एंड इट बिकम्स 1930। देन यहां पे देखो 5690/00, अब जो चीज फ्रीज्ड है उसको मैंने टच नहीं किया, उसके पहले वाले को 6+1 7 कर दिया। डन, ओके इज नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द डे एंड इसको बोलेंगे फॉरेक्स बैंकिंग टर्म्स। ये अभी मैं करवा रहा हूं बट आइडियली ऑलमोस्ट 3 घंटे के लेक्चर के बाद शायद ये टर्म्स थोड़ा तुम लोग को भारी लगे, डोंट वरी, कल जब अपन स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले ये रिवाइज करवाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बट अभी एक बार मेरे को करवा लेने दो सो दैट कल ही रिविजन करवाना रहेगा, अदरवाइज कल ये वापस पूरा करवाना रहेगा तो रिवीजन रह जाएगा। अब ये करवा देता हूं, कल वापस रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड, सबसे पहला टर्म है जिसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। तुम लोग ने ये टर्म सुना तो है, तुम लोग ने क्या होता है वो नहीं पता आपको, बट टर्म सुना तो है, इसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, आर अकाउंट विद यू, इसको बोलते हैं आर अकाउंट विद यू, ठीक है। हाँ सो इसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, नहीं पता सर नोस्ट्रो बोस्ट्रो नहीं सुना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, एक एचडीएफसी मुंबई
इंडिया, समझो एचडीएफसी का मुंबई ब्रांच है, एचडीएफसी मुंबई ओपन्स अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, अ बैंक अकाउंट विद डॉइश बैंक, नाम सुना है डॉइश बैंक, विथ डॉइश बैंक जर्मनी, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है, आर अकाउंट विद यू, मैं एचडीएफसी मुंबई बैंक का मैनेजर हूं, हमने अकाउंट खुलवाया है डॉइश बैंक जर्मनी में, तो क्या हुआ वो हुआ एक नॉस्ट्रो अकाउंट, ये मैं अभी बोल रहा हूं, समझा रहा हूं मैं, समझा तो ठीक, नहीं तो कल जब रिवाइज कराऊंगा ना एकदम मस्त में क्लिक हो जाएगा। दूसरा, दूसरे का आंसर तुम लोग दोगे मुझे, देखना दूसरे का एग्जांपल तुम लोग दोगे मुझे, तो नॉस्ट्रो है इसका भाई है वॉस्ट्रो, योर अकाउंट विथ अस, ये बट्टे लोगों के स्विस अकाउंट होता है वो नॉस्ट्रो हुए क्या मेरे भाई, ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, योर अकाउंट विद अस। सो जब डॉइशे बैंक मेरे बैंक में अकाउंट खुलवाएगा इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्ट्रो अकाउंट। एग्जांपल लिखता हूं मैं इधर, से बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क, ओपन्स अ बैंक अकाउंट विद SBI पुणे, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉस्ट्रो अकाउंट। हाँ हाँ SBI का होता है ना, अरे ऑब्वियसली यार, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, कैसी बातें कर रहा है। एंड थर्ड है लॉरो अकाउंट, थर्ड है लॉरो अकाउंट। अब ये क्या होगा, ये होता है देयर अकाउंट विद यू, देयर अकाउंट विद यू, समझाता हूं। इसमें क्या होगा, सो फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कंपनीज बैंक विल ओपन कंपनीज अकाउंट विद फॉरन बैंक, एग्जैक्टली जैसे अपन लोग भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वैसे बैंक भी तो बैंक के साथ फॉरन अकाउंट खुलवाएगा ना, एग्जैक्टली दैट। चलो सो से फॉर एग्जाम्पल कोई कोऑपरेटिव बैंक है, से श्यामराव विठल, श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, अब बिचारी श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक कहां बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क के साथ एक अकाउंट खुलवाएगा, समझ रहे हो, अगर खुलवा देता तो नॉस्ट्रो अकाउंट हो जाता, बट वो वहां पे वो नॉस्ट्रो अकाउंट में ना मिनिमम आपको कम से कम 500 करोड़ रुपया रखना पड़ता है, जो HDFC SBI और ICICI एक्सिस ये सब रख सकते हैं, बट ये बेचारा श्यामराव विठल कोऑपरेटिव तो नहीं कर पाएगा, बट श्यामराव विठल को फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है तो वो क्या करे, तो वो बीच में पकड़ेगा, वो बीच में पकड़ेगा ICICI बैंक, वो बीच में पकड़ेगा ICICI बैंक, से ICICI बैंक दिल्ली को पकड़ेगा, अब ICICI बैंक का बैंक ऑफ अमेरिका के साथ है, श्यामराव विट्टल एक फॉरेक्स अकाउंट खुलवा देगा ICICI के साथ इन ऑर्डर टू ट्रेड विद बैंक ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं खुलवा पा रहा है, and this basically will become your Loro account. Are we clear everybody? अब क्लियर है कि नहीं दो मिनट में पता चलेगा, अब क्लियर है कि नहीं दो मिनट में पता चलेगा, देखना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान से आपको जवाब देना है, उसे समझ जाएगा मुझे कि आपको कितना समझा है। बैंक ऑफ टोक्यो,
जापान ओपन्स अकाउंट विद एक्सिस बैंक हैदराबाद। बोलो बोलो। हाँ एक बार इसका आंसर देने का ट्राई करो, फिर रिपीट करता हूं, डोंट वरी। देखो सबसे पहला था नोस्त्रो, मैं एचडीएफसी बैंक का मैनेजर हूं, मैंने अगर बाहर ओपन करवाया बैंक अकाउंट नोस्त्रो, बाहर वाले ने मेरे ब्रांच में ओपन करवाया वोस्त्रो, और किसी थर्ड पार्टी बैंक ने मेरे यहां पे खुलवाया लोरो। बोलो ये क्या आएगा। बैंक ऑफ टोक्यो, बाहर वाला मेरे पास आके अकाउंट खुलवाया। एकदम सही जवाब यार, तुम लोग होशियार लोग हो। वोस्त्रो अकाउंट। चलो एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं क्या करते हैं। SBI मुंबई ओपन्स अ बैंक अकाउंट विद सिटी बैंक लंदन, क्या होगा। अच्छा लिख दूं। SBI मुंबई ओपन्स अ बैंक अकाउंट विद सिटी बैंक लंदन। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इट इज नोस्त्रो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, एग्जाम्पल नंबर थ्री के बाद। एग्जाम्पल नंबर थ्री के बाद आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आओ बैंक ऑफ अमेरिका न्यू दिल्ली ओपन्स अकाउंट विद एक्सिस बैंक न्यूयॉर्क। एक्सिस बैंक चलो जापान। अब बोलो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क करके छोड़ देता हूं। बोलो अब इसका जवाब कमेंट्स में आपको देके रखना है, अपन डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। सोच समझ के जवाब दो। हाँ यस सर्वेश, कैन इंडिया ओपन बैंक ओपन इट्स ब्रांच इन अब्रॉड। यारे क्यों नहीं यार, ये ले। नोस्त्रो लोरो वोरो सब आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो। मैं जवाब ऐसे भी नहीं दे रहा आज, बट मैं तुम्हारे आंसर्स देख रहा हूं। तुम लोग अपने ये आंसर्स याद रखना, तुम लोग भी लिख के रखो, नेक्स्ट सेशन में याद रखना जब अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, जो चीज सर्कल किया है उसको ध्यान से देखो। ओके क्यों सस्पेंस में रख रहे हो, अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। हाँ चलो चलो अभी फटाफट रिवाइज कर लेंगे अपन, फटाफट रिवाइज कर लेंगे अपन लोग ने आज क्या क्या सीखा है। फर्स्ट सेशन, रात को नींद नहीं आई। यो हो, फोरम ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो इसके। अच्छा मुझे बताओ कैसा रहा फर्स्ट सेशन फॉरेक्स का, सब समझ में आया आपको।
अब और ऐसा लग रहा है और सेशन होंगे तो और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज पब्लिक फर्स्ट दो सेशंस के बाद थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग फटाफट क्विक रिवीजन के साथ। भाई रिवीजन के बिना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको पता है। ए बैंक है रे लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सेशन, नाइस। सो अभी आ जाता हूं मैं पहले डायरेक्ट कोट पे, ये अपन ने इससे स्टार्ट किया था, करेक्ट। तो इसको मेरे को बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि अपन लोग बेस फॉरेन करेंसी को जब रखते हैं, बेस इज फॉरेन करेंसी, तो $1 इक्वल टू ₹100 एग्जाम्पल। फिर अपन लोग ने किया इनडायरेक्ट कोट, यहां पे अपन बेस होम करेंसी को रखते हैं, तो जब मैं लिखता हूं ₹1 इज इक्वल टू $0.02, राइट। चलो डन। फिर हमने देखा डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन डायरेक्ट कोट, समझ गए सर। फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ बिड आस्क, एक था बिड एक था आस्क, कोट एट विच बैंक विल सेल, बेड कोट एट विच बैंक विल बाय, राइट। ओके, फिर कॉन्सेप्ट सी का स्प्रेड का, ए माइनस बी मतलब आस्क माइनस बेड, डन। चलो ग्रेट, आस्क ऑलवेज ग्रेटर देन बिड, डन। चलो ये भी समझ में आ गया। फिर अपन लोग ने देखा बैंक फॉरेक्स टर्म्स, अच्छा और एक हाँ बिड फाइंड करना है तो 1 बाय आस्क, आस्क फाइंड करना है तो 1 बाय बिड, ये भी क्लियर। बैंक फॉरेक्स टर्म्स, पहला टर्म सीखा हमने न न नोस्त्रो, सो नोस्त्रो क्या होता है, अगर कोई इंडियन बैंक फॉरेन में ओपन करवाता है, सो इंडियन बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट समझो बराबर से, इंडियन बैंक अकाउंट विद फॉरेन बैंक इन फॉरेन कंट्री आर बैंकिंग विद यू, करेक्ट। फिर वस्त्रो, आर अकाउंट विद यू, फिर आता है वस्त्रो फॉरेन बैंक अकाउंट विद इंडियन बैंक, योर अकाउंट विद अस, एंड लास्ट है लॉरो, थर्ड पार्टी डीलिंग विद होम बैंक एंड फॉरेन बैंक,
ओके, टाइम फॉर अस टू से अस्ता ला विस्ता गाइस। जी हाँ, ऑसम ग्रेट सेशन विद यू ऑल, मजा आ गया मेरे को भी, एंड आई एम श्योर यू गाइस एंजॉयड इट इक्वली। चलो अब और होश और जोश के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू ऑल, अस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। यस, नोट्स अभी का भी अपलोड कर रहा हूं मैं, प्लीज लिख लेना। अपन लोग ने नोट्स, तुम लोगों को लिखने का थोड़ा टाइम कम मिला था, बट लिख लेना अभी, सब सब अपलोड कर दूंगा मैं। एनीथिंग एल्स लेट मी नो। यस, लेट्स मीट टुमारो। एक और लेक्चर ले लो आज, वाह वाह, तो मेरा SCMP तू लेगा। चलो, नोट्स हैव ऑल्सो बीन अपलोडेड, बाय बाय। यस, नेक्स्ट संडे फेज वन का टेस्ट रहेगा। चलो बाय बाय। नहीं नहीं भाई, उससे अच्छा मैं ही ले लेता हूं, जाए। टेक केयर, थैंक यू।